अस्सलाम वालेकुम, अनकही में एक बार फिर खुश आमदेद। याद दहानी हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv, ईमेल करने के लिए live@ankahi.tv और कॉल करने के लिए 021-227-0839। बहुत से देखने वाले की मोहब्बत उन्होंने ईमेलें की कि जब उस रोज़ हमारा शो ना हो सका, लेकिन वजूहात कुछ ऐसी नागुजीर थी कि शायद वो जो खबरें थीं वो इस शो से ज़्यादा ज़रूरी थी यकीनन, और मामला भी कुछ ऐसा ही था कि उस पर उसको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। हमेशा जब भी मुल्क में मुश्किल वक्त आया तो लोगों ने एक आस की कि नहीं, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में कुछ नहीं होगा, जो होगा रमज़ान के बाद होगा। फिर एक झूठा दिलासा हमने हमेशा दिया कि नहीं नहीं भाई, अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में तो कुछ नहीं होता, 14 अगस्त है और एक खुशी का मौका है, आज़ादी की सालगिरह है, तो इस पर भी कुछ नहीं होगा। जो करने वाले हैं इन दो वक्तों पे लिहाज करते हैं, जैसे बकरीद हो, हज हो, रमज़ान हो, त्यौहार हो, उस पर कोई भी उछल कूद नहीं की जाती। लेकिन पाकिस्तान ने 61 बरस में बहुत तरक्की की और हर साल तरक्की में इजाफा हो रहा है, और अब तरक्की यहाँ तक पहुँच गई कि हमने रमज़ान, अगस्त, 14 अगस्त, त्यौहार, खुशी का लिहाज भी छोड़ दिया। ज़िम्मेदार कौन है, कौन सी साइड सही है, गलत है, उसकी तो शायद मुझको समझ ही नहीं। मैं बड़ी नाकस मेरी नॉलेज है इस मामले में, लेकिन मुझे ये पता है कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इस वक्त बहुत रंजीदा हूँ। इस हद तक रंजीदा हूँ कि जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो जो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर अदनान अहमद साहब हैं, उन्होंने मुझे वो पाकिस्तान का झंडा दिया कि फैसल भाई लगा लीजिए। वो मैं उसको देखा, 2 मिनट झंडे को मैंने उसको जेब में रख लिया कि क्या झंडा मैं लगाऊं। जो गली गली झंडा बिक तो रहा है, लेकिन 12 अगस्त को पेशावर में बम फट गया, असेंबलियां हमारी ये फैसला कर रही हैं कि सदर को कैसे खींच के निकाल के साइड पे कर दिया जाए या वो इस्तीफा दे दें, ये चारों तरफ जो उठा पटक है। अगर तारीख में हम देखें, 1947 में जाएँ तो अगस्त के महीने में बहुत कुछ तो खून था, क्या अब कुछ बदल गया? 61 बरस के बाद हम 61वीं सालगिरह पे बैठे हैं, कुछ बदला? कोई चीज़ हमने आज तक सीखी? क्या हम वाकई हक रखते हैं कि इस 14 अगस्त को हम मनाएं या झंडे लगाएं या कहें कि हम यौम आज़ादी मना रहे हैं? अभी तो शायद हम अपने आप से ही आज़ाद ना हो सके, किसी और से तो क्या आज़ाद होंगे। बहरहाल ये तो हमेशा की तरह मेरी मनफी बातें हैं और शायद मैं यहाँ रह के आहिस्ता आहिस्ता बहुत मनफी होता जा रहा हूँ। कोशिश हमारी हमेशा होती है कि अनकहीं में हम सियासी बातों पे ज़्यादा वक्त ना लगाएं, क्योंकि सियासत से मैं ये समझता था कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो करने वाले कर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो हमने करना है, अपनी ज़िंदगी हमने संवारनी चलती। लेकिन अब पिछले चंद रोज से मैं बहुत रंजीदा हूँ और परेशान हूँ कि समझ नहीं आ रहा जो बातें मैं कहता रहा उसको साइड में बैठ के सब होता कैसे देखें। दूसरी बात, मैं हमेशा कोशिश करता लोगों से पूछता हूँ कि सियासी नज़रियात आजकल क्या हैं, जवाब नहीं मिलता। तो मैंने सोचा माजी में जाऊँ, उन लोगों से बात की जाए जिन्होंने शायद सियासी नज़रियात की बुनियाद पे सियासत की, कोई प्रिंसिपल था, कोई सोच थी जिसकी वजह से वो साथ थे। ना सिर्फ ये कि तुम मेरे दोस्त हो या तुम मेरे साथी हो या मेरे हम ख्याल हो तो चाहो चलो हम मिल के सियासत करें। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया, यू हैव टेकन द टाइम आउट, यू आर वेरी काइंड। सर, जो बात, दो बातें हैं जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा, लेकिन पहले ये कि हमेशा की एक रिवायत हुआ करती थी कि हम कम से कम अगस्त में, ईद में, बकरीद में, रमज़ान में सियासत भी ज़रा साइड लाइन हो जाती थी कि कौम को थोड़ी रिलीफ मिल जाए। एक तरफ तो कौम भूखी है, प्राइसेस पागल हो रही हैं, 14 अगस्त 2-1 रोज़ में, फिर रमज़ान 2 हफ्ते दूर है। इस सिचुएशन में ये जो अभी का एग्जिस्टिंग टर्मोइल है जिसको हमने आज मौजूद रखा डीकंसिलिएशन, क्योंकि रिकंसिलिएशन का घूंट तो कौम ने पिया था कि चलो शांति तो होगी, वो भी गई। हाउ वुड यू सी दैट? बस ये आपने सही कहा कि जो यहाँ रिकंसिलिएशन का एक जुमला बनाया गया था जिसने कुछ हैरत पैदा की कि डेमोक्रेसी, एक तरफ से तो डेमोक्रेसी के तारे बज रहे थे, दूसरी तरफ से रिकंसिलिएशन। तो जो हमने उस्तादों ने हमने सिखाया, शायद वो गलत थे, कि जमहूरियत तब मुफीद साबित होती है
कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट साइड हो और स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, ताकि वो चेक्स और बैलेंसेस रहे और दोनों मिलकर इस गाड़ी जमहूरियत की गाड़ी को पटरी पे चलाए। रिकंसिलिएशन अगर सब एक साइड पे आ जाते हैं तो दूसरी साइड तो खाली हो जाती है, बैलेंस तो नहीं रहता और वन पार्टी रूल बन जाता है। तो ये तो हैरत कुन बात पहले थी और सोचने वालों ने ये भी देख लिया कि ये चल नहीं सकता। और वही बात साबित हुई है कि जैसे आपने कहा कि रिकंसिलिएशन वो तब्दील हो गई है डिकंसिलिएशन में, तो अब क्या होगा रिकंसिलिएशन से? ये जो चार पांच महीने हमने देखे, बहुत नुकसान हुआ रिकंसिलिएशन। अच्छा, आपने भी फरमाया कि रिकंसिलिएशन चल नहीं सकती, Why would you say that? Reconcile हो गया, कहा सुना माफ हो गया, let's move on. हाँ, लेकिन इनको फिर सीधे राह पे कौन चलाएगा? जब तक effective, मौसर opposition नहीं होती assembly में, सियासी मैदान में, तब तक तो dictatorship, one party rule हो जाता है। तो इसीलिए social contract लिखने वालों ने बड़ी अहमियत दी opposition को जमहूरियत की के सिलसिले में। तो ये तो इम्बैलेंस हो जाता है और हमने देख लिया कि वही इम्बैलेंस हुआ और वो जो आए इक्तदार में रिकंसिलिएशन करके, उन्होंने तो थोड़े अरसे में दिखा दिया कि ये तो सिर्फ मजे लूटने आए थे और तो कुछ नहीं, और आखिर वो भी नहीं चल सका और बिल्कुल केओस और कंफ्यूजन छाई हुई है इस वक्त मुल्क में। अच्छा, अब इसी से एक और बात जो जहन में आती है वो ये है कि व्हेन यू रिकंसाइल तो मुफाहमत, इसका तर्जुमा हो, तो जब मुफाहमत होती है तो दोनों दो तरफा होती है। आपने मेरा कहा सुना माफ किया, मैंने आपका कहा सुना माफ किया, मिट्टी पाओ आगे चले। व्हेन दैट इज द सिचुएशन, अब जैसे सपोजिंग मेरा आपका झगड़ा था, आपने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत किया, मेरी मुफाहमत हुई, आपने मुझे माफ किया, और चंद रोज बाद मैं आपको कहूंगा यार तुम्हारी वो सारी चोरियां जो थी अब उसका हिसाब दो, अगर वो थी नहीं थी मुझे नहीं पता, वो आई एम नो जज ऑफ दैट, लेकिन हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन और द प्लेयर्स? ये जो रिकंसिलिएशन थी ये असल में ये खोखली थी, ये एक फ्रेब था आपस में, या फरेब कौम आपस में मिलकर, और ये कौम को बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि किस असूल पे रिकंसिलिएशन है, नजरिया क्या था कि मुल्क के लिए क्या करना है, उसका बुनियाद क्या होगा, कैसे आगे चलना है, और उसी इशू पे रिकंसिलिएशन हुई, ये किसी को नहीं पता था। जो जाहिर हुई बात, अब जाहिर छुपाने की उन्होंने कोशिश की लेकिन बात जाहिर हो गई, वो ये थी कि अमेरिकन्स ने एक डील स्पॉन्सर की पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के दरमियान, और उसके बुनियादी नुक्ते या असूल ये थे कि ये जो हैं पीपल्स पार्टी वाले वो सदर मुशर्रफ को एक बार फिर इलेक्ट कराएंगे, और उसके मुआवजे में इनके खिलाफ जो करप्शन के बेशुमार केसेस थे, ये मर्डर्स के बेशुमार केसेस थे जिसमें MQM भी उस ब्रैकेट में आ गया, वो सब केसेस वापस लिए जाएंगे। तो सदर इलेक्ट हो गया और इनके खिलाफ जो केसेस थे वो वापस हो गए, केसेस तो मकासद पूरे हो गए, पूरे हो गए। तो उसके बाद डीकंसिलिएशन ही होनी थी जो हम देख रहे हैं आज। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आपने ये फरमाया कि इट इज इट कि ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एक डील है, तो फिर ये डीकंसिलिएशन हुई कैसे? अगर पीछे से गारंटोर कह लीजिए या एक मॉडरेटर कह लीजिए, वो अगर बैठा है, वो भी अमेरिका जैसा जिसकी ताकत में कोई कमी नहीं, तो फिर ये डील डीकंसाइल कैसे होती है? बस यही तो सवाल है आजकल उभरा हुआ कि ये कैसे हुआ जब स्पॉन्सर वहां बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी से हुआ है, और या फिर किसी ने ये जुर्रत की है कि उनकी मर्जी के खिलाफ ये काम करें। तो इसका जवाब थोड़े दिनों में मिल जाएगा, दो चार दिनों में मिल जाएगा, और इसी से ये सवाल उभरता है, इसी सूरत हाल से,
ये सवाल उभरता है कि ये जो हम तमाशा देख रहे हैं, भगत देख रहे हैं हम, ये जेन्युइन है या ये एक और कोई ढोंग है, जैसे वो मरी डिक्लेरेशन ढोंग थी, जैसा वो फिर उसके बाद वो आईएसआई की ट्रांसफर और उसके बाद फिर सीएनजी की कीमतों में बढ़ाना और दूसरे दिन वापस आना और इस किस्म की बातें, चीन कौन जाएगा सही, ये भी होता रहा है। फिर वो तो जज रीइंस्टेट हो गए, फिर वो वापस गए। तो ये तो यहाँ तो जो एक्शन है होती आई है इस नई डिस्पेंसेशन में, उसकी रिएक्शन भी दो चार दिन में या इमीडिएटली आ जाती है। तो हम मुंतजर है कि इसका काउंटर क्या होता है। ऐलान तो हो गया इम्पीचमेंट का, लेकिन होगी या नहीं होगी या रास्ते में फिर कोई चक्कर आ जाएगा, क्या होगा। तो कम से कम मेरे जहन में, और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के जहन में ये बात होगी कि ये जो ये डिक्लेरेशन है इम्पीचमेंट की, इसमें कई मोड़ तोड़ हैं जो आगे आने वाले हैं, इसलिए इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। अच्छा, आपने बात की कि दो चार दिन में बात सामने आ जाएगी, दिस आई फाइंड डिस्टर्बिंग एंड सैड, क्योंकि अमूमन पहले भी ये मोड़ पाकिस्तान की तारीख में बार बार आए। होता यह था कि अभी भी यह था कि नहीं रमजान में, रमजान के बाद होगा, शेख रशीद साहब भी बयान दे रहे थे नहीं अक्टूबर में होगा, रमजान के बाद होगा, 14 अगस्त के बाद होगा, ये अब की दफा जल्दी क्या है सारे उठा पटक के। हाँ, यही तो है ना कि बाहर की जो बात है वो एक है, वो हाथी के दांतों वाली बात है, अंदर से जो कुछ हो रहा है वो कुछ और है, और थोड़े दिनों में निकल आएगा, क्योंकि बहुत से सवाल उभरते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो डील का क्या हुआ, और क्या जिन्होंने ये डील कराई वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं? हरगिज नहीं हो सकता, उनकी बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है इस मुल्क में, वो ऐसे नहीं छोड़ सकते यहाँ के सियासतदानों को, या जो अपने आप को कहलाने लगे हैं सियासतदान, कि जो मर्जी करो, वो तो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ये जो आपने बात की, वो लोग जो अपने आप को कहलाने लगे हैं सियासतदान, हमारी अगर हम कौम से अवाम से बात करें तो वो कहते हैं कि जी बड़ी नाउम्मीदी है और हमें भरोसा नहीं है। अब जो लोग हमारे अब अक्सर लीडरान रहे हैं, एक तरफ हम बातें सुनते हैं कि जी यूथ रिफॉर्म, यूथ एक्टिवेशन, सिटीजन्स एक्टिवेशन, हर किसी की नज़र है यूथ के ऊपर कि उसको एक्टिवेट किया जाए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि सीनियर पॉलिटिशियंस लाइक योरसेल्फ, गुलाम सरजतोई साहब, गुलाम खर साहब, ये सब आपस में अब कहने को तो आप पुराने दोस्त हैं, आपकी ज़िंदगियाँ साथ गुजरी, सो यू कुड जस्ट बी मीटिंग सोशली, लेकिन फिर अखबार में तस्वीर भी लगती है कि भी परसों आप मिले शायद सखर में, और तो लोग उस तरफ भी एक उम्मीद रखते हैं कि शायद चलो ये पुराने लोग आके कुछ संभाल लेंगे। इज देयर होप इन दैट डायरेक्शन और यूथ डायरेक्शन, या आप समझते हैं कि हम फंसे हुए हैं अभी इसी सिचुएशन में? इसमें हमारे मेल झोल में ये तो पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ मीडिया हमें आउटपेस कर गई है, हमसे आगे निकल गई है इस बात में। तो हम तो सोचते हैं, बात करते हैं इन जो हालात है, नेचुरली जब सियासतदान इकट्ठे होते हैं तो सियासत की बात होगी, लेकिन इतनी बिगड़ी हुई सूरत हाल नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि आजकल की जो सियासत है वो मैं कहता हूँ कि हैंड टू माउथ सियासत है, जो सिचुएशन पैदा हो उससे निपटो सही तरीके से, अपने मुफाद में उसको ये टर्न कर लो। बल्कि जो सियासत हमें सिखाई गई वो नज़रिए की सियासत थी, असूल की सियासत थी, कमिटमेंट की सियासत थी, वो तो कहीं नज़र नहीं आती। यहाँ के जो रातों रात जो बड़े फिलोसोफर बन गए हैं, लीडर बन गए हैं और सियासतदान बन गए हैं, वो तो उनकी तो फिलोसफी और डिक्लेयर्ड फिलोसफी ये है कि सियासत में आखिरी बात कोई नहीं होती, कोई कमिट नहीं होती सियासत में, आखिरी बात नहीं होती। दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि सियासत में झूठ, धोखा, फ्रेब, मुनाफकत, ये बातें होती है सियासत में, असूल और सच्चाई और कमिटमेंट नहीं होती। तो इस सूरत हाल में फिर वो पुराने जो सोच रखने वाले हैं, जिन्होंने नजरियाती और असूलों पे मुबनी सियासत पहले भी की है, अब भी उस पे डटे हुए हैं,
वो कैसे फिट हो सकते हैं इस सिचुएशन में? लेकिन जिस स्टेज में लोग हैं, जो पब्लिक है, वुडंट दे एक्चुअली, मतलब अगर हाइपोथेटिकली हम कहें कि आप लोग कल कहते हैं कि भाई हम वापस आ रहे हैं, तो डू यू थिंक पब्लिक वुड एक्चुअली कम बैक के यार यहाँ ज़्यादा उम्मीद है, ये जो नए लोग हैं इनमें तो उम्मीद हमें दिखेगी, या आप फील करते हैं नहीं, या समझते हैं कि ये जो नया तरीका है ये आपको नहीं पनपने देगा? ये जो नया तरीका है, जो जब से सियाह दौर से पैदा हुआ है, लोग उसकी लपेट में हैं अभी तक, और लोगों को भी सिर्फ एक एक टारगेट है कि भाई उसी तरफ जाओ जिस तरफ से कहाँ कुछ मिले, कोई नौकरी मिले या कुछ मिले या परमिट मिले, प्लॉट मिले, ये मिले, नजरिया वजरिया ये बातें और कमिटमेंट्स, मंशूर, फिलॉसफी सब गुम हो गई हैं ये बातें। अब जो है, क्योंकि लोगों ने बहुत मार खाई है इस सिलसिले में, अब ये लोग लोगों के जहन में अब ये बात बैठने लगी है कि भाई इनफरादी मुफाद के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली हाँ, और ये जो आजकल की सूरत हाल है, जो माँ को बाजार में जाकर बच्चे बेचकर आटा लेना पड़ता है, वो ये जो बेअसूली हैंड टू माउथ पॉलिटिक्स है और इनफरादी सोच वाली सियासत है, इनफरादी मुफाद की सियासत है, ये बिल्कुल उसका नतीजा है। तो अब जो है, ये गाड़ी जो पटड़ी से उतर गई है उसको पटड़ी पे चढ़ाना है, वरना कुछ नहीं होगा, वरना तबाही और बर्बादी और भी बढ़ेगी। तो ये अवेयरनेस अब हो रही है, लेकिन ज्यादा दौर से लेकर आज तक तो लोग भी, मैन इन द स्ट्रीट, वो भी ऐसे ही सियासतदानों के पीछे भागता फिर रहा है। तो इलेक्शनों का आउटकम हाँ, बिल्कुल प्रूफ होता है। एक मुख्तसर सा वक्त लें, फिर मुमताज अली भुट्टो साहब से हम बात करते हैं कि जैसे उन्होंने फरमाया कि अब कुछ करने का वक्त है, कि क्या ऑप्शंस हमारे पास है, हमारे साथ रहिए। मिशेल आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाली है। अभी हमने मकसद क्विटा शहर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की गैर तसली बख्श और मख्शूर। अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देंगे, दरख या माहौलियाती आलूदगी। रोटी की कीमत 5 रुपए मुकर्रर करने से अवाम की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। तहम अवाम का कहना है, उनका जो खिताब है वो पिछले चंद रोज यानी 9 अप्रैल के बाद से जो हालात बदले हैं उनका। We are consuming the Earth's resources 20% faster than they can be sustained. Global warming is not just a fact. It's a choice. मैं तकरीबन 150 से गाड़ी चला रहा हूँ। किराए की थोड़ी फटी चल रही है, 7 रुपए किराया करा, कोई 5 दे जाता, कोई 6 दे जाता, कोई 7 दे जाता है। कभी सवारी मुझे गुस्सा भी आता है, कभी मुझे किराया खुशी खुशी दे जाता है। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे ना, मैं अपनी गाड़ी खुशी से चला रहा हूँ। अनके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सरदार मुमताज अली भुट्टो साहब हमारे साथ बैठे हैं और हम उनसे बात कर रहे थे कि अभी हम किन हालात में हैं। आपने ये फरमाया ब्रेक से पहले कि अब वो डीरेलमेंट उस स्टेज पे आ गई है कि अगर कुछ ना किया तो बुराई हो सकती है। व्हाट आर दी ऑप्शन? जब हम आप लोगों की तरफ देखते हैं तो आप लोग कहते हैं भाई हमारे बस का नहीं है। अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ को हमने, जैसे आपने 70s की बात की, प्लीज ज़ियाउल हक साहब की बात हमने फरमाई, तो उस ज़माने में था कि स्टूडेंट्स वर पॉलिटिकली अवेयर, तो वहाँ से एक नर्सरी थी, पॉलिटिशियंस इमर्ज करते थे। आज का जो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी है, वो पॉलिटिकल या नज़रियाती अवेयरनेस उसकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी एक दहशत, तड़ी,
उस किस्म की मनफी चीज़ें हैं, तो वो नई लीडरशिप वो सब कहाँ से इमर्ज करेगी? हालात जो हैं वो खुद ब खुद लीडरशिप पैदा करते हैं, और अभी तक ज़्यादा दौर से लेकर आज तक जो सूरत हाल रही है, हम भी ऐसे नहीं कि हम घर सोए हुए हैं, हालांकि सियासत का रुख कुछ और हो गया है, लेकिन हम एक्टिव रहे हैं। और लोगों की तरफ से हमें यही कहा जाता है इलेक्शंस में या दूसरे ऐसे मसलों के साथ, बात जो ये आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इक्तदार में तो वो आएगा तो फिर नौकरी तो वो देगा हमें, अपने जो मुफाद हैं वो तो वहाँ से हमें मिलेंगे, आपसे तो नहीं मिलेंगे, इसलिए हम उसके पीछे जा रहे हैं। अब वो जो है लोगों ने उसका मजा चख लिया है कि मुनाफकत वाली सियासत में, बेअसूली सियासत में शामिल होने से कुछ नहीं मिलता, सही राह पे आना चाहिए, इज्तमाई सियासत सोच रखनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए, कमिटमेंट मैनिफेस्टोस और नज़रिए की सियासत होनी चाहिए, उस तरफ फिर लोग आ रहे हैं। और उसका सबूत ये है कि ये जो डिस्पेंसेशन है इसके खिलाफ अब लोकल पेपर्स जो हैं, सिंधी पेपर्स हैं, लोकल उर्दू पेपर्स हैं, वो उठा के देखिए कि हर रोज़ इस दिन में, इस सिर्फ सिंध में 15-20-25 मुजाहरे हो रहे हैं, अलग अलग लोग रास्तों पे निकले हुए हैं अपने डिमांड्स के लिए, और क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये जो सूरत हाल है, ये जो हुक्मरानी है, ये जो स्टाइल है हुक्मरानी की, उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वो वापस आने लगे इराद। और अगर कोई तरीका नहीं निकला दोबारा सच्ची सियासत की तरफ जाने का, तो यहाँ अब रेवोल्यूशन जो है ना उसके साइंस नज़र आने लगे हैं, लोग बहुत डेस्परेट हो गए। जब अवाम डेस्परेट हो जाता है तो रेवोल्यूशंस आती हैं, और खून रेजी रेवोल्यूशंस भी बन सकती है, और नई क़ियादत भी पैदा होती है। तो हमें तो नज़र आ रहा है क्योंकि इंतहा हो गई इस बेअसूली और मुनाफकत वाली सियासत की, और मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, आटे के पीछे भाग रहे हैं, पानी के पीछे भाग रहे हैं, अपनी जान की सलामती ढूंढ रहे हैं चोरों और डाकुओं से बचने के लिए, कोई नहीं है उनको सहारा देने वाला। तो हालात तो उस तरफ बढ़ती है जो रेवोल्यूशन लाती है। कुछ लोगों की भी सुन लेते हैं। जिगरानी साहब हैं घोटकी से, अस्सलाम वालेकुम साईं। जी वालेकुम अस्सलाम। सही हुक्म। हाँ जी, मैं सरदार मुंतजर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, के सदर मुशरफ को अब चलना चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बेहतर, बहुत शुक्रिया। भाई सदर मुशरफ को तो 18 फरवरी को इस्तीफा देनी चाहिए थी, जब मुकम्मल तौर पे लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो मौका उसने नहीं लिया, और डील हुई और डील के ज़रिए वो सदर भी मुंतखब हुआ, और उस डील के अंदर सियासतदानों ने भी करप्शन के केसेस से, कत्ले आम के केसेस से जान छुड़ाई, और ये मिलकर चले। लेकिन वो जो, जैसे हम पहले इस प्रोग्राम में कह चुके हैं, कोई जो रिकंसिलिएशन है वो अब डीकंसिलिएशन हो गई है, ठीक है। तो इसमें से तो अब कोई आसान तरीका सदर मुशर्रफ के निकलने का नहीं है, ये बाइज्जत तो अब निकल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन देखना ये है कि जो उसको निकालना चाहते हैं वो मुखलिस हैं या नहीं, या फिर जैसे वो जजेस का वायदा किया, दूसरे वायदे किए, आगे चल के फिर पीछे हट जाते हैं वक्त निकालने के लिए, कि एक दो लम्हे या एक दो दिन या चंद रोज और लगा ले। तो मैं तो समझता हूँ कि सवाल का जवाब ये है कि मुशर्रफ साहब को पहले ही जाना चाहिए था, अब भी उसको जाना चाहिए, लेकिन देखना यह है कि जो उसको निकालना चाहते हैं वो इस बात में मुखलिस हैं या नहीं, उन पर एतबार नहीं बैठता। इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं। अली साहब हैं क्वेटा से, इस्लाम को अली साहब। जनाब वाली फरमाइए। सवाल है सदर मुंतजर से, काफी पुरानी सियासतदान है, मंजिल सियासतदान है, और ये कि अफसोस ये होता है कि क्या पाकिस्तान से लेकर अब तक इस मुल्क को मुखलिस लीडरशिप नहीं मिली,
जी जो भी आया जो जिसने उसने सिर्फ अपने जात के लिए खुद के लिए आवाम के लिए आज तक तारीख उठा के देख ले किसी ने कुछ भी नहीं किया, ये कुछ हमने कब आई, ये हमारे सियासतदानों में कब आई। राइट, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अली साहब है कराची से, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम भाई, फरमाइए। अली साहब की क्वेटा से क्या है कि वो क्वेटा में बम धमाके की जोरदार खबर की स्लाइड भी चलनी शुरू। अल्लाह रहम करे जी। है कि आवाम से किसी को दिलचस्पी इन 60-61 सालों में नहीं रही जी। आवाम की सारी सूरत हाल भुट्टो साहब ने फरमा दिया कि औरतें खवातीन बच्चों को बेच रही हैं, सारी सूरत हाल हम लोगों के सामने है जी। इस मुल्क से कोई मुखलिस नहीं है, मुल्क को तबाही के दाने में हर सियासतदान ने अपने अपना कार्य खैर उसमें डाला है। सीनियर लोगों का आप जिक्र कर चुके हैं, खर साहब का आपने नाम लिया, जिनका अब सारा माजी ही हर तरफ डामकडोल रहा है, वो इनके साथी रहे, बैजमेंट रहे। पुराने लोगों ने क्या किया, अगर वो सब आज सही काम कर चुके होते, जतोई साहब ये, प्रोफेसर गफूर ये, पुराने लोग एमआरडी वाले जी, तो आज ये मुल्क की सूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। जो अली साहब ने क्वोटस फरमाया कि लीडरशिप सिंसियर नहीं रही, और मोहम्मद अली साहब शिकायत कर रहे हैं कि पुराने लोगों ने भी कुछ खास नहीं किया, हाउ वुड यू रिस्पोंड? लीडरशिप अब यहाँ तो बहुत से लीडर आए हैं 61 साल में, जिसमें जर्नेल भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और सियासतदान भी हैं। कायदी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उन लीडरों में शामिल हैं। बड़ी स्ट्रगल के साथ जिन्ना साहब ने ये पाकिस्तान बनाया। उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे लोग आए जो बड़े मुखलस और सच्चे सियासतदान थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान टूट गया जी, तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आया जिसने नया पाकिस्तान तामीर किया। और ऐसे लोग भी हैं, लेकिन किस हद तक जो ये साहब फरमा रहे हैं कि लीडरों ने कुछ नहीं किया मुल्क के, वो किस हद तक सही है, लेकिन मुकम्मल तौर पे सही नहीं है कि कैसे लोग भी आए हैं। तो बिल्कुल ये सूरत हाल बनी हुई है, और इस वक्त ख़ास करके ज़िया दौर से लेकर आज तक जो सिलसिला चल रहा है, असल में मुल्क को तो उसने ही तबाह किया है। और सियासत जो मैं वो जर्नलों की हुक्मरानी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर करके तो उन्होंने इस मुल्क के 61 साल में से 32 साल तो जनरलों ने बादशाही की है, मार्शल लॉ वगैरह ये वो, बाकी जो 28 साल बचते हैं उसमें कोई 22 के करीब पॉलिटिशियंस आए हैं और गए हैं, तो उनकी जो हुक्मरानी का एवरेज एज बनता है वो 1.5 साल या 13 महीने या 14 महीने से ज़्यादा नहीं बनता। तो इसमें हाँ ये सही है कि हद तक लीडरों ने बहुत लेट डाउन किया है इस मुल्क को और आवाम को, लेकिन ये कहना कि सब के सब ऐसे थे ये सही नहीं है। वो तो खैर जज्बात में शायद लोग कह देते हैं, क्योंकि अगर सब ऐसे होते तो फिर मुल्क इस हाल जिसे हम बुरा समझ रहे हैं इससे भी कहीं बुरा हो सकता था, खुदा ना खास। ऐसे भी लीडर आए हैं जो बड़े मुखलिस थे, सच्चे थे, बड़े बड़े बड़ा मुफीद नजरिया रखते थे मुल्क के लिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन वो चल नहीं सके क्योंकि यहाँ तो जमहूरियत आज तक 61 साल में पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत जो है वो जड़े नहीं पकड़ सकी। ठीक फरमा रहे हैं। यहाँ जो ये आता है जर्नल आता है तो वो डिक्टेटर होता है, लेकिन जो सिविलियन आता है, जो निज़ाम ऐसा है मुल्क में कि वो भी डिक्टेटर बन जाता है। ठीक। और इसलिए आजकल हमारे जैसे लोग काफ़ी अरसे से ये मशवरा दे रहे हैं, ये एडवोकेट कर रहे हैं कि निज़ाम तब्दील करो, डिसेंट्रलाइज़र करो, सही माना में डेवोल्यूशन करो, वो वायदा पूरा करो जिस वायदे पे पाकिस्तान बना था, जो करारदाद पाकिस्तान में कलम बंद है कि यहाँ जो सूबे होंगे वो खुद मुख्तियार और मुख्तदर होंगे जी। तो है पूरा जो चक्कर है, जो पूरा सिलसिला है, शुरू से ही गलत डायरेक्शन में चल पड़ा। ठीक। निज़ाम गलत लागू किया गया, वायदे की खिलाफवर्दी की गई पाकिस्तान बनाने वालों की, उसके बाद फिर जमहूरियत जड़े नहीं पकड़ सके जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के लीडर आए, खास करके ज़िया दौर से, तो ये सूरत हाल है। अच्छा, एक दो कॉल ऑनलाइन। अब्दुल गफूर साहब ने फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम जी। जनाब वाली फरमाइए। सर मैं कोई एक्चुअली कोई बहुत बड़ा लीडर या कोई सियासतदान तो नहीं हूँ जी, लेकिन सर बात यह है कि किसी भी पार्टी के अंदर तो जमहूरी तरीका तो यही है कि उसकी इलेक्शन होनी चाहिए और उसके बाद से देखना चाहिए कि उसका चेयरपर्सन चेयरमैन कौन ठीक है, राइट। वो तो बेहतर साहब। उमेर साहब है लाहौर से, इस्लाम को उमेर साहब। वालेकुम सलाम। जनाब वाली फरमाइए जी। मैं पहले सलाम पेश करूंगा सरदार साहब को भी, और फिर मैं ये बताना मैं पूछना चाहूंगा कि सरदार साहब क्या जिस तरह भुट्टो के साथ उनके साथ थे और एन वक्त पर उनको छोड़ के ये अलग हो गए थे, क्या पाकिस्तान के इन हालात में भी ये दूसरे लीडरों को छोड़ के ये भी अलग हो जाएंगे या इनकी कोई पॉलिसी चेंज होगी? बेहतर, बहुत शुक्रिया। इसी बात करें शफकत हुसैन साहब ने कराची से। सलाम कुम शफकत साहब। शफकत साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब वाली फरमाइए। अब मैं साईं सिंधी में सवाल पूछूं साईं से या उर्दू में? उर्दू में पूछेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी बेहतर होगा। हाँ, मैं साईं से अर्ज करना चाहता हूँ, दो दिन पहले कावश अखबार में एक खबर थी जी, साईं और मतलब किबला खर साहब जी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में तीतरों का शिकार खेल रहे थे जी। मैं कराची से नहीं हूँ, खैरपुर मीरत से हूँ जी जी। ठीक है, अब जहाँ कौम के ऊपर इतने अजाब नाजल हों, साईं तीतरों का शिकार खेलें, तो ये मतलब नजरिया ठीक है? शफकत साहब बहुत शुक्रिया। ओके, इन तीनों बातों पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अच्छा यूँ करते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा लिए लेते हैं, कि उसके बाद दो चार बातें ऐसी हैं जो मैं तफसील में इनके सवालों के जवाब भी और बात करना चाहूँगा, तो एक मुख्तसर वक्फा ले लीजिए। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो साहब हमारे साथ बैठे, हम उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ज़्यादा खुशी जब होती है हमारे कारीगर खुश हों, काम करने का मज़ा भी आता है, कोई ग्राहक ऐसा आता है कि उसकी बातें सुनने का मज़ा आता है। ऑल अंडर पॉलिश वाला काम करता हूँ मैं, हर किस्म का काम जानता हूँ। पहले पाकिस्तान में सब खुश होते थे, अब पता नहीं क्या वजह है कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान को हमने शुरू से ही देखा जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है, हमारे बच्चे भी गरीब पैदा हुए, हम भी गरीब पैदा हुए पाकिस्तान में। बाबा जीना का मज़ार अच्छा लगता है बस। वक्त के साथ कदम आगे बढ़ाइए, इस तेज रफ्तार दौर में अखबार की खबर पढ़ने का वक्त किसके पास है, खबर जानने की आदत डालिए। समा का प्रोग्राम पहला सफा, अखबार की छह सुर्खियाँ। बिल आखिर बलोचिस्तान का बजट तीनों सूबों का एक दिन बना लिया गया है। तबसरे, पंजाब में क्या हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो गवर्नर हाउस हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं जोर से। दर्जिए, इस्लामाबाद से कुछ मजीद खबरें ले लेते हैं जी खालिद रफीक। तो वक्त में एक खबर ये लगी हुई है कि APDM हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तारीख का तयन न कर सकी। और अहम वाकया, स्वाद के तालिबान आज से आम बातचीत का बायकॉट करेंगे। NFC अवार्ड की मुनसिफाना तकसीम से माली बोराम खत्म हो जाएगा। सरद हुकूमत को अमन माहे करने का मुकम्मल इख्तियार है। पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, क्वेटा, पिशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की तमाम बड़ी खबरों के लिए रोजाना देखिए समा का प्रोग्राम पहला सफा। जो शख्सियात छह सुर्खियों की जीनत बनती हैं, वो अपनी आवाम से क्या तवक्कात रखते हैं और आवाम को उनसे क्या तवक्कात होती हैं? सिर्फ समा पर। By recycling just one glass bottle, you save
enough electricity to power a 100-watt bulb. Global warming is not just a fact. It's a choice. میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کچھ دیر میں شام ختم ہو جائے گی, وقت گزر جائے گا. درخواست میری ہمیشہ کی طرح www.ankahi.tv پہ آ کے اس بات کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں تو ضرور بڑھائیے گا. دو چار باتیں جو عبد الغفور صاحب فیصلہ آباد سے فرمایا کہ کوئی لیڈر نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ڈیموکریٹک الیکشن ہو کے لیڈرز چوز کیے جائیں تاکہ جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ان کا اشارہ یقیناً اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا. اسی سے ریلیٹڈ میں دو چیزوں کا آپ سے ایک ساتھ سوال پوچھنا. آپ نے کچھ دیر پہلے جواب دیا تھا ایک صاحب کا کہ صدر صاحب کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے تھا اور اب بھی دے دینا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہاں, ایک طرف تو ہم ڈیموکریٹک پروسیس سے پولیٹیکل پارٹیز کو لائیں, لیکن جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں صدر محترم کو فروری میں تو ریزگنیشن دینا چاہیے, تو کیا اب بھی سچویشن قوم کی ایسی ہے کہ ان کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے؟ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ مے بی نہیں, کچھ دیر رک جانا چاہیے کیونکہ سچویشن بگڑ گئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم جس طرف ان کی نشاندہی تھی اس لیڈرشپ کو ہٹا دیں, ادھر سے ہم ان کو ہٹا دیں, تو ویئر از دا نیو لیڈرشپ؟ شارٹ ٹرم میں کیا سچویشن ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اب جو صدر نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, اگر امپیچمنٹ پاس ہو جاتی ہے اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, تو پھر تو ان کو جانا ہی ہے ہر حالت میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا اور انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمرانی بنی ہے ڈیل کے بعد اور ایک دوسرے کے جو گناہ ہیں وہ وائٹ واش کرنے کے بعد, تو اب پبلک میدان میں یا پارلیمنٹ میں صفائی ہونی چاہیے کہ کون کیا ہے, اصلیت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو صدر کے پیچھے پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑے پیسے کھائے ہیں, یہ کیا ہے, اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے. دوسری طرف سے جو ایک بہت غیر مناسب, غیر اخلاقی, غیر قانونی, غیر آئینی این آر او پاس کیا گیا, اس پہ بھی ڈسکشنز ہونی چاہیے کہ یہ کیسے مناسب ہوا اور جو لوگوں نے اس میں سے فائدہ اٹھایا ہے ان کا اصلی چہرہ کیا ہے اور کس قسم کا فائدہ اٹھایا ہے. یہ صفائی ہو کر پھر اس میں تبدیلی آنی چاہیے. ایک تو یہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باتیں جو ہے ہوا میں چھوڑنے کے جیسی نہیں ہیں, ان کی صفائی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں صفائی ہونی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شور مچ رہا تھا تو انہوں نے, کسی نے کہا بلی ہے, کسی نے کہا چور ہے, تو اس کا ایک نے کہا کہ بھئی صبح کو یہ دیکھیں گے کہ چور ہے یا بلی ہے, تو صبح آئے گی اور چور چور ہوگا, بلی بلی ہوگی. یہ صفائی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, اچھا دوسرے سوال جو ایک میں بتاؤں جی, وہ جو ایک ہمارے مہربان نے وہ کاوش کی بات کی جی, کہ تیتر, بھائی کوئی تیتر کا شوار نہیں تھا, اور کاوش کیا ہے, کوئی فرمانے لائی ہے کاوش؟ اکثر کر کے کاوش میں تو جھوٹ چپتا ہے, اور اس کا مثال یہ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ تھا, ہم نے کوئی تیتر ویتر کا شکار نہیں کیا. اچھا, اس بات پہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اگر کیا تو گناہ کیا کیا؟ ہم شاید عادی ہو گئے ہیں تنقید اور سوال اور الزام. نہیں, ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس نے سوال پوچھا اس کی مناسب بات تھی کہ جب لوگ بھوک میں خودکشیاں کر رہے ہیں اور مائیں بچے بیچ رہی ہیں آٹا خریدنے کے لیے, تو سیاستدانوں کو کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کچھ فکر دکھانا چاہیے ان باتوں پر. تو یہ تو صحیح تھا بالکل جو انہوں نے پوچھا, لیکن بات غلط تھی. چلیے, عمیر صاحب نے لاہور سے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ جیسے پہلے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے آپ نے علیحدگی کر لی تھی, تو ابھی بھی کیا آپ لیڈران سے یا ملک سے یا اس مسائل سے علیحدگی کر کے کنارہ کشی کر لیں گے, یا اب کی دفعہ آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں آپ
हम तो अलग अलग कभी नहीं हुए, हम मैदान में भटकते रहे हैं हर वक्त, लेकिन लोगों का को लोगों के रुख में और सोच में तब्दीली आ गई। ज़िया दौर से लेकर जो सियासत है उसने एक और रुख कर दिया है और मोड़ ले लिया है। वो पहले हम बात कर चुके हैं उस पर कि सिर्फ मुफाद परस्ती और खुद गर्जी और इनफरादी सोच वो हावी हो गई है मुल्क के सियासत पे, और लोग उसके पीछे भागते हैं जहां से वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ हमें शख्सी तौर पे शॉर्ट टर्म में फायदा, हमें कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा। सियासतदान आजकल जो लोगों के पास जाते हैं वोट लेने, तो वो पार्टी का मंशूर नहीं ले जाते, अपना नजरिया नहीं ले जाते, अपना प्रोग्राम नहीं ले जाते, उधर जाके उसको कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये तुम्हारा जो घर है इसमें नाली नहीं है मैं नाली बना के दूंगा, ये तुम्हारे गांव के लिए रास्ता बनाऊंगा, तुम सिर्फ मुझे वोट दो मैं यहाँ तुम्हारे लिए जन्नत बना दूंगा। अच्छा, वो तो खुश है इस बात में, प्रोग्राम कोई नहीं है। बड़ी अच्छी आपने बात की। हम पूरी तारीख उठा लें पाकिस्तान की 61 बरस की, हमने कौम को इतना पसमानदा भूखा नंगा रखा हुआ है, बेसरो सामान रखा हुआ है कि इतनी नामाकूल वादे पे भी हमारी कौम बेवकूफ़ बन जाती है। और ये तो पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हमें पूछेंगे कि भाई आपका फॉरेन पॉलिसी या आपकी इंटरनल पॉलिसी या आपका नज़रिया क्या है। अगर हम कौम से शिकायत करें कि कौम एक नौकरी के लिए वोट देती, तो बात तो यह है ना कि उसके पास नौकरी और नाली और गटर नहीं है। तो ये सिचुएशन तो हकीकी है कि हमने, हमसे मतलब है अगर मैं अपने आप को वो सियासतदान कहूँ जो इस मुल्क में, या लीडर कहूँ जो एक्टिव रहा हूँ पिछले 20 30 40 50 बरस में, कौम को तो बड़ा कैटेगोरिकली बड़े प्लान के साथ अनपढ़ भूखा नंगा बगैर छत के रखा हुआ कि जब चाहो उसको गंदी नाली का वादा कर लो और वो कहेगा लो सही वोट, और पूरे मुल्क में इसका, इससे हम कैसे निकलेंगे? इससे हम निकल चुके थे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। उसने एक नज़रिया दिया, एक प्रोग्राम दिया, एक प्रोग्राम पे उसने अपनी पूरी सियासत और तहरीक चलाई। और ये नहीं कि रुकावटें नहीं थी उस वक्त, तो हम पहले शुरुआत में तो उनके साथ सिर्फ मैं अकेला था। जब वो अयूब खान की से अलग हुआ जी, तो ये सब वडेरे पीर मीर जो उधर बकरों की तरह कटते थे उसके कदमों में सब भाग गए, मैं था अकेला सिर्फ उसके पास। और फिर थोड़े अरसे में 4-5 लोग और आए, जैसे डॉक्टर मुबशर था, जे ए रहीम था, हयात मोहम्मद खान शेरपाव था, मुस्तफ़ा खर था, ये 4-5 लोग आए। और हमने पूरे लांडी कोतल से लेकर चिटगांव तक हमने भाग दौड़ की और पार्टी बनाई। ये नाली वाली का वायदा हम नहीं ले जाते थे, हम प्रोग्राम ले, भाई देखो ये हमारा प्रोग्राम है, इस्लामिक सोशलिज्म जो कुछ भी था, मुकम्मल तौर पे हमने एक प्रोग्राम पे नज़रिए पे कैनवसिंग की। बहुत से एतराज़ होते थे, कहीं कहीं तो हमें जान छुड़ाने के भागना पड़ता था, किसी को पत्थर भी लगे हमें, तो बड़ी तनकीद होती थी कि ये कल तक तो अयूब खान के खिलाफ था, अब ये निकला है मैदान में गरीब आए गरीबों का अलम्बरदार बन के वगैरह इस वक्त। लेकिन बाद में लोगों ने समझा और लोग कन्विंस हुए कि हाँ ये जो बात है ये सही है, और इस बिना पे उसके पीछे चले लोग और वो इक्तदार में आया। लेकिन फिर जब जिया ने उसको फांसी के तख्ते पर लटका के पूरा जो सिस्टम था, पूरी जो सोच थी उसको रिवर्स गियर में डाल दिया, और टोटली उसका जो है वो नाम निशान उस सोच का मिटा दिया। और ये पॉलिटिक्स जो आजकल चल रही है शख्सी मुफाद की, इनफरादी सोच की सियासत, उसको ज़ियाउल हक ने बड़ी काविशों के साथ उसकी जड़ें मजबूत की, वो चला आ रहा है। और ये नहीं कि बस इसे, फिर भी हो सकता है, अब लोगों ने इस किस्म की सियासत को आजमा के आखिर आके उस मरहले पे पहुंचे हैं कि बच्चे बेचने पड़ते हैं आटे के लिए या खुदकशी करनी पड़ती है। तो अब मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग फिर सोचने लगे हैं कि भाई हम ये गलत राह पे चल पड़े हैं जिसकी सजा ये भोग रहे हैं। आमिर खान साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम खान साहब।
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب جو ہیں جی اللہ کے واسطے ان کی امپیچمنٹ نہیں کریں, بیکاز ہی از اے سولجر اینڈ دا ریسٹ آف دا پولیٹیشینز ول لیو بیکاز دے ہیو ڈیول نیشنلٹیز اینی ٹائم اور خزانہ لے کے چلے جائیں گے خدا کے واسطے. تھینک یو ویری مچ. بہتر جی, بہت شکریہ. میر احمد صاحب ہیں ڈیرہ بکتی سے. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ الحمد للہ, دعا میں یاد رکھیے, فرمائیے. دیکھیے میں ممتاز صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی. کیا پیپلز پارٹی میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال سکتا تھا؟ بہتر. پہلے جو میر صاحب نے فرمایا کہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جو ہے یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے بعد کیوں ایسا نہ ہوا کہ وہ جو فلسفی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فلسفی کہاں کھو گئی؟ وہ تو بہت پہلے ہی گم ہو گئی تھی, اور خود پیپلز پارٹی بھی اس نئی فلسفی پہ چل رہی تھی, اور اس کا انجام یہی ہوا. لیڈر جو تھے پیپلز پارٹی میں وہ تو آ گئے ہیں, انہوں نے مل کر ایک نئی لیڈرشپ پیدا کی ہے اور اسی راہ پہ وہ چل رہے ہیں. وہ تو اس پارٹی میں یا آج کل کی جو دوسری پارٹیاں ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بھی وہی ضیاء دور کی سوچ پہ چل رہے ہیں. ذوالفقار بھٹو کی پارٹی جو تھی وہ تو اس کی پھانسی کے ساتھ ختم ہو گئی, اور شہید بے نظیر نے جو پارٹی بنائی وہ اپنی پارٹی بنائی اس نے. اس میں بہت سے جو ضیاء کے لوگ تھے جو بھٹو صاحب شہید کے دشمن تھے, جو غیر نظریاتی لوگ تھے, جو جن کی سوچ مختلف تھی پارٹی کے اصلی مینیفیسٹو, سب ان کو لا کے بٹھایا اور اقتدار کی, اور ضیاء دور کی خود اس نے بھی سیاست کی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ایک تو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق نے ملک میں سیاست کو ایک نیا موڑ دیا, اور اس سیاست میں اگر کسی کو آگے بڑھنا تھا تو اقتدار میں آنا تھا تو اسی سیاست پہ عمل کرتے ہوئے, اور شہید بے نظیر نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا. وہ ایک یہ بھی وجہ تھی جس پر ہمارے راستے الگ ہوئے جی, کہ نہیں بھائی اب سیاست کرنی ہے تو وہی سیاست کرنی ہے جو آج کل تک چل رہی ہے. وہ جو سیاست تھی ذوالفقار بھٹو کی اس کا دور ختم ہو گیا, اب ضیاء الحق کی جو اقتدار کی سیاست ہے کہ کسی بھی طریقے سے اقتدار میں پہنچو, کتنا بھی جھوٹ بولنا پڑے, کتنی بھی دغا کرنی پڑے, کتنی بھی یو ٹرن کرنے پڑے, کرو لیکن اقتدار میں پہنچو. تو اس نے جان بوجھ کے اسی راہ پہ پارٹی کو وہ خود لے گئی, اس کا نتیجہ وہ ہے جو آج دیکھ رہے ہیں. جاتے جاتے وہ جو عامر خان صاحب نے بات کی کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ سب ملٹیپل نیشنلٹیز والے ہیں اور یہ تو یہاں سے پھر ایک بار چلے جائیں گے, آپ کے سمجھتے ہیں اب وقت ختم ہو رہا ہے؟ 14 اگست, ایک تو پرسوں 14 اگست ہے, انشاءاللہ اللہ کرے خیر سے عزت کے ساتھ ہم یہ دن پھر منائیں, رمضان چند دن دور ہے. اس سچویشن میں جہاں ہم کھڑے ہیں آپ کہتے ہیں 2-4 دن میں بات سامنے آ جائے گی, کیا یہ لوگ جن پہ لوگوں نے ووٹ دیا, اعتماد کیا, اور میں صرف یہاں کی بات نہیں, آل اوور دی کنٹری, پنجاب میں, فرنٹیئر میں, ہر جگہ, کیا پھر وہ ہم ایک تاریخ دور شروع ہوگا, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے پاکستان کا, کہ یہ لوگ پھر چلے جائیں گے اور پھر ایک قسم کی کوئی ڈکٹیٹرشپ یا کوئی لیم سی حکومت بیٹھ جائے گی؟ واٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ یہ بالکل, یہ تو راہ بنی ہوئی ہے, اور کئی دفعہ اس راہ پہ سیاستدان گامزن ہوئے ہیں, اور اب بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے بھی بھاگ گئے تھے اب وہ اپنے ڈیل کے ذریعے اور این آر او کے ذریعے اپنے سب گناہ, زیادتیاں, لوٹ مار چھپا کے دوبارہ اقتدار میں وہی آئے ہیں جو پہلے بھاگے ہوئے تھے, تو ان کا تو یہ راستہ بنا ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ اس میں تو ہم سب جو لوگ ہیں وہ بھی مجرم ہیں, کیوں ایسے آزمائے ہوئے جو آزمائت پہ پہلے صحیح نہیں اترے, جس نے پہلے دھوکا کیا ہے, دگا کیا ہے, پھر بھی ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں لوگ, تو اس میں کیسے قصور کس کا ہے؟ قصور تو ان کا ہے جو ان کو اس منزل پہ پہنچاتے ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا. قصور یقیناً مجھ جیسوں کا ہی ہے, میرا ہی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر کے تو اٹھ جاتا ہوں, اور شاید کبھی بھی میں نے خود کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. بہرحال پرسوں 14 اگست ہے, انشاءاللہ
ہم کہیں میں کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے اللہ نے چاہ اللہ میں مد راہ دکھائے کہ تھوڑی اونرشپ لینے کی کوشش کریں گے. بہرحال سردار بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, اٹس پلیجر. کل شب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.